किन का एजेंडा डालना, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं, आप सभी को जानने की जरूरत है। ये 7 दिन से साजिश चल रही है, उसी साजिश का नतीजा वो फेक नोटिस था। साजिश थी या एजेंडा, मगर सोशल मीडिया पर मारपीट की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो दर्दनाक भी हैं और शर्मनाक भी। देश की इतनी नामी यूनिवर्सिटी सियासत का अखाड़ा बन चुकी है, क्या लेफ्ट राइट की लड़ाई इसकी साख को बट्टा लगा चुकी है? एक बार फिर जेएनयू में जो हुआ वो इसी की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज पर झगड़ा अचानक रामनवमी के दिन ही हुआ, इस पर विवाद हफ्ते भर से जारी था। एबीवीपी का दावा है कि हफ्ते भर पहले एक आम सहमति बनी थी कि कावेरी हॉस्टल में चूंकि रामनवमी की पूजा हो रही थी, लिहाजा उस दिन उसकी मेस में नॉनवेज नहीं बनेगा। दूसरी तरफ कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी इस दावे को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर किया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमें उस दिन नॉनवेज खाना ही नहीं था, कावेरी के रेसिडेंट को खाना ही नहीं था। जबरदस्ती ये चीज इम्पोज करना, उसको एक अमली जामा पहनाना, एक शुगर कोटिंग करना, जो उनका कहना है, ये जो बातें हैं कि 7 दिन पहले हमने इन्फॉर्म किया था और सारी चीजें मीटिंग हुई थी, ऐसा कुछ अगर हुआ था तो सवाल ये है कि ये एविडेंस है कहाँ, क्योंकि हम जो मीटिंग करते हैं वो लोग जो लोग आते हैं वहाँ हॉस्टल कमेटी के सारे मेंबर का साइन होता है, जो लोग इस GBM में जनरल बॉडी मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, 24 घंटे पहले नोटिस निकाली जाती है, ये सारी चीजें प्रोसेस है। तो अगर हुआ तो उनसे सवाल यही है कि वो नोटिस है कहाँ, वो एविडेंस है कहाँ, ऐसे मुंह से बोल देने से कुछ नहीं है। ये तो रही खाने की बात, एबीवीपी ने लेफ्ट विंग पर रामनवमी की पूजा में रुकावट डालने का भी आरोप लगाया। एबीवीपी ने दावा किया है कि उसके पास परमिशन है, मगर कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी उसके दावे को चुनौती दे रहे हैं। पूजा का विरोध 3:30 बजे आके, पूजा का विरोध ये लोग 7 दिन पहले किए, धमकी भी दिए कि हाँ आप लोगों का पूजा हम नहीं होने देंगे, मांस के टुकड़े डालेंगे। जिन लोगों ने धमकी दी आपके सामने कावेरी के लोग मौजूद हैं, नाम भी बताएंगे, हम भी आपको नाम बताएंगे। ये इवेंट जो भी है ये इसके लिए परमिशन अथॉरिटीज के द्वारा नहीं थी, और इससे पहले कावेरी में कभी हुआ भी नहीं है ये इस तरह की पूजा या इवेंट जो भी है। हॉस्टल के अंदर ये अगर होता भी है तो हॉस्टल के बाहर होता है, ये हॉस्टल के अंदर नहीं होता, और जिसके लिए परमिशन लेने की जरूरत होती वो परमिशन भी इनके पास नहीं थी। अगर इजाजत थी तो फिर ये नोटिस क्यों चस्पा किया गया? कावेरी हॉस्टल के सभी वार्डन ने नोटिस जारी किया था कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से पहले से परमिशन लेनी होती है। इन सब के बीच पूजा हुई और उस दिन बवाल भी मच गया। अब जेएनयू प्रशासन कैंपस में शांति बहाल करने में जुटा हुआ है। अनीशा माथुर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।